बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स एफएससी सेकेंड ईयर यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम इसको थोड़ा सा हम सीखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। पहले है टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। हमने छोटी क्लासेस में 8 में 9 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उसको समझा हुआ है। उसी तरीके से अलजेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं जिसमें पॉलीनोमियल भी हो सकते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x+3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x² + 5 ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलीनोमियल भी है। जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 1/2x+3 ये पॉलीनोमियल नहीं है बल्कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम अलजेब्रिक फंक्शंस कह सकते हैं। अब इसके बाद है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो फंक्शन है जो अलजेब्रिक नहीं है, इसके अलावा जो फंक्शंस हैं, जिस तरीके से इसमें फर्स्ट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट ये आते हैं। इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर 2x, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। इसमें ये ई पावर एक्स है, दूसरे में ए पावर 2x। ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स ये फंक्शंस के नाम हैं, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर है लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग शामिल है, जिस तरीके से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी ये लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। अब इसके भी टू टाइप है, एक है कॉमन लॉगरिथम्स। कॉमन अगर वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10 वो लॉग जिसका बेस 10 है उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। अगर एल ओ जी लॉग के साथ ये 10 ना भी लिखा हो तो हम इसे कॉमन लॉग टू द बेस 10 समझेंगे। अगर 10 के अलावा कोई और बेस है तो फिर वो इसके नीचे यहाँ पे लॉग के साथ लिखा होगा। दूसरा है नेचुरल लॉग, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स ई, इसको एल एन से डिनोट किया जाता है और इसका बेस ई होता है। ई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 है, तो इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। इसके बाद है हाइपरबोलिक फंक्शन, वाई इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे ये जो h है ये
हाइपरबोला को शूट कर रहे हैं। इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। इसको हाइपरबोलिक फंक्शन इसलिए कहते हैं कि इससे जो हमें कर्व मिलता है वो इस तरीके से हाइपरबोला मिलता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि लॉग वन टू द बेस बी, बी मीन कोई भी वैल्यू है वो ज़ीरो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग बी टू द बेस बी, वो वन होगा, यानी लॉग टेन टू द बेस टेन इज इक्वल टू वन, लॉग टू टू द बेस टू इज इक्वल टू वन। अगर ये वैल्यू और बेस सेम हो तो उसमें यहाँ पे इज इक्वल टू वन आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई है तो वो हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग एम एन टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस बी प्लस लॉग एन टू द बेस बी। इसी तरीके से अगर दो नंबर डिवाइड है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लॉग एम टू द बेस बी माइनस लॉग एन टू द बेस बी। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है कि लॉग एम पावर पी टू द बेस बी, तो ये पावर जो है ये लॉग से पहले आ जाता है, इसको हम वो पावर लॉग कहते हैं। ये भी आप लोग ऑलरेडी क्लास टेन में पढ़ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन, हमने इसे सिंप्लीफाई करना, तो ये हमारे पास है 4 3 2 6 और एक्स एंड वाई एक्स वाई पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारे पास 4 पावर 6 xy इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास पार्ट बी है 10 पावर 3x-1 और 10 पावर 4-x, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगा 3x-1 प्लस 4-x इज इक्वल टू 3x-x 2x और 4-1 3+3, तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद है e पावर x-3, ये वाली वैल्यू जब ऊपर आएगी तो इसका ये पावर x का माइनस x हो जाएगा और इस माइनस 4 का प्लस 4। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, e पावर x-3-x+4, तो ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, e 4-3 1, यानी ये हमारे पास e आ जाएगा। पार्ट नंबर डी, e पावर x ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो e पावर माइनस 3 और प्लस x, अब दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगे, x माइनस 3 प्लस x, e x प्लस x 2x एंड माइनस 3। e पावर 1.2t होल पावर 3,
तो ये 2 पावर भी 3 है और e^1.2t इसकी पावर भी 3 है। 2 पावर 3 8 आ जाएगा। e पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1.2 को जब हम t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 और ये t पावर भी 1.2 t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 t। अब ये 3 पावर भी 2 है और e^1.4 विद नेगेटिव साइन और साथ x, ये पावर भी 2 है तो 3^9 और e प्लस माइनस 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 और साथ ये x भी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखें ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अगर बेस बेस के इक्वल है तो फिर पावर पावर के इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वल का साइन हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर्स। इक्वेटिंग द पावर्स यानी 2 - 3x इज इक्वल टू 5x - 6 -3x - 5x को इस तरफ ले आएंगे और -6 and -2 -3x and -5x -8x और -6 and -2 यहाँ पे आ जाएगा -8 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -8 -8x डिवाइडेड बाय -8 एंड -8 डिवाइडेड बाय -8 तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 1। बी पार्ट है 5 पावर 3x इज इक्वल टू 5 पावर 4x - 2 यहाँ पे भी हम इक्वेटिंग द पावर तो 3x इज इक्वल टू 4x - 2 3x - 4x इज इक्वल टू -2 - x 3x - 4x - x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 2। पार्ट सी 4 पावर 5x -x² इज इक्वल टू 4 पावर - x इक्वेटिंग द पावर बेसिस सेम है तो इक्वेटिंग द पावर तो आ जाएगा 5x - x² इज इक्वल टू -6
तरतीब से लिख लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और माइनस सिक्स इस तरफ आ जाएगा तो प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से माइनस कामन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ये माइनस इसमें से कामन, ये माइनस इस साइड पे आके ज़ीरो के साथ ख़त्म हो जाता। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस फाइव आ जाए। तो इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से एक्स कामन निकालें तो एक्स माइनस सिक्स, इसमें से वन कामन निकालें एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स माइनस सिक्स दोनों में कामन है तो यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। आइदर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू सिक्स और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे पार्ट डी सेवन पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन पावर टू एक्स प्लस थ्री। इक्वेटिंग द पावर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो माइनस थ्री आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से एक्स कामन निकाल लें तो एक्स माइनस थ्री, इसमें से वन कामन निकाल लें तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस थ्री कामन है, इनसाइड रह जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। आइदर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है ई पार्ट फाइव पावर थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल पावर थ्री। इसमें अब पावर सेम है तो इक्वेटिंग द बेस, इक्वेटिंग द बेसिस बेसिस तो यहाँ पे एक्स प्लस टू है और दूसरी साइड पे फाइव है। अब एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस टू, टू जब इस साइड पे आएगा, या एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा पार्ट फाइव में। पार्ट एफ में अब यहाँ पे भी पावर सेम है तो इक्वेटिंग द बेसिस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। माइनस एक्स टू एक्स को इस साइड पे ले आए लेफ्ट साइड पे तो माइनस टू एक्स, यहाँ पे माइनस वन, ये वन इस साइड पे आएगा तो ये भी माइनस वन हो जाएगा। माइनस थ्री एंड माइनस टू एक्स माइनस एक्स एंड माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस थ्री
तो ये कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 2/3। जी पार्ट में है कि एक्स माइनस 3 एंड ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0। सेंस ई पावर एक्स तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी ई पावर एक्स 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एक्स माइनस 3 0 हो सकता है या एक्स इज इक्वल टू 3। ई पावर एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब एच पार्ट है ई 2x ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ये ई पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। 2x 0 हो सकता है या एक्स इज इक्वल टू 0/2 एक्स इज इक्वल टू 0। आई पार्ट में है 3x ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 3x प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें से भी हम ई पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, लेकिन इसमें ई पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये 3x प्लस एक्स स्क्वेयर ये 0 हो सकता है। इसमें से x कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो x इज इक्वल टू 0 है या 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, या एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक, इसमें पहले हम ई पावर माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं। इन दोनों को प्रोडक्ट 0 है, लेकिन ये ई पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 2.71 इसकी वैल्यू है, तो ये कभी 0 नहीं होगा। हाँ, ये 3x प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, इसमें से x कॉमन निकालें। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या x इज इक्वल टू 0 है या 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। ये हमारे पास जे पार्ट है, इसमें पहले हम ई पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 0। सिंस ई पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन निकाल लें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। तो x की दो वैल्यूज आ गई है, 0 एंड 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्वेश्चन 3, री राइट इन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
ये जो लॉग है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखें ये जो लॉग के साथ यहाँ पे ये है, ये बेस है, तो आप इसको बेस में लिखें। ये जो सामने वैल्यू है ये पावर है, तो ये देखें पावर में आ जाएगी इज इक्वल टू, और ये लॉग के साथ ये वैल्यू है 27, यानी 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो 2 है ये बेस है, ये 5 पावर और इज इक्वल टू 32, 10 बेस है, 0 पावर है इज इक्वल टू 1, ई बेस है 0 देखें पावर इज इक्वल टू 1, 4 बेस है 3/2 इसका पावर है इज इक्वल टू 8, 9 बेस है 3/2 पावर है इज इक्वल टू 27। अब है री राइट द इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हमने लॉग फॉर्म में लिखना है, तो देखें यहाँ पे लॉग 49 लिखेंगे, ये 7 बेस है इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से बी पार्ट में लॉग 36 बेस इसका 6 है इज इक्वल टू 2, पावर सामने आ जाता है। सी पार्ट में लॉग 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। डी पार्ट में हम लिखेंगे लॉग 9 बेस 27 इज इक्वल टू 2/3। ई पार्ट में लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 4। एफ पार्ट में एफ पार्ट में ये लॉग के साथ एम आएगा, बी बेस है इज इक्वल टू एक्स, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 5, फाइंड एक्स वाई एंड बी विदाउट अ साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज। यहाँ पे देखें ये 3 जो है ये बेस है, तो आप इसको बेस लिख लें, ये 2 पावर है तो आप पावर में लिख लें, इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स इसकी वैल्यू है, तो एक्स इज इक्वल टू 3^9। पार्ट बी लॉग एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 बेस है, ये 2 पावर है और ये एक्स वैल्यू है, तो 2^2 4, एक्स इज इक्वल टू 4। पार्ट सी लॉग 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू y, 7 बेस y पावर इज इक्वल टू 49, 7 पावर y, 49 को हम लिख सकते हैं 7/2, बेसिस अगर सेम हो तो पावर भी सेम होंगे, इक्वेटिंग द पावर, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर, और y इज इक्वल टू 2। अब डी पार्ट करते हैं, डी में है log 10-4 बेस b इज इक्वल टू -4, ये जो b है
ये बेस है, माइनस फोर पावर है, और ये टेन पावर माइनस फोर वैल्यू है। तो जब पावर सेम है तो बेसिस भी सेम होंगी, इक्वेटिंग द बेसिस। तो बी इज इक्वल टू टेन। ई पार्ट में है कि लॉग नाइन बेस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वाई। वन बाई थ्री बेस है, वाई पावर है, और नाइन वैल्यू है। ये है वन पावर वाई भी, वन पावर वाई इज इक्वल टू वन, थ्री पावर वाई, ये थ्री पावर भी वाई है। नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री पावर टू, इसको ऊपर ले आए तो आ जाएगा थ्री पावर माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री पावर टू। बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू टू और वाई इज इक्वल टू माइनस टू। पार्ट एफ, बी बेस है, थ्री बाई टू पावर है, और ये थाउजेंड वैल्यू है। बी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वन बाई टू को इससे अलहदा कर दें और ये थ्री ऊपर लिख लें। थ्री बाई टू को वन बाई टू मल्टीप्लाई थ्री लिख लिया है। थाउजेंड को हम लिख सकते हैं टेन पावर थ्री। अब पावर सेम है तो हम बेस को इक्वेट कर सकते हैं, बी पावर वन बाई टू इज इक्वल टू टेन। टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, यानी बी वन बाई टू इसका भी स्क्वेयर लेंगे और इस टेन का भी स्क्वेयर ले लेंगे, तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, बी इज इक्वल टू हंड्रेड।